आदमी, हम 1 लाख में भी भाषण देते हैं, 1000 में भी देते हैं, अगर नहीं कोई रहता है तो पेड़ बाबा को भी सुना करके अपने घर चले जाते हैं। ये सुनाते कि हमारी लड़ाई बहुत साफ साफ है। आज हमारी आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग के लोग लगे हैं, लेकिन ये देश के नेतन के मोतियाबिंद भाई लोग सही बतावत इन्होंने के लोग पता है ना। अभी देखा जब कोरोना रहा, एक रोग आए रहा, कोरोना रहा तो सब लोग अपने अपने घर में अपने दुआरे, लेकिन सब डराते रहा कोरोना से, लेकिन धन्य है पुलिस विभाग के लोग जो सड़क पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़े थे, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। इनको सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, इससे ड्यूटी लेंगे 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, तनख्वाह देंगे 8 घंटा, तनख्वाह देंगे 8 घंटा। जब पुलिस विभाग की तनख्वाह बढ़ाना होगा तब नेतन के मोतिया भी मिल जाए, और जब नेतन का तनख्वाह बढ़ावा कोई तो पहला हाथ तो नहीं है, विधानसभा में पहले ही हाथ तनिया नहीं बढ़ाता। अगर सदन के अंदर पुलिस विभाग के संबंध में अगर बोलने वाला कोई नेता है आजादी के बाद 75 साल में, तो प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइक वाल पैदा नहीं हुआ। हम तो कहते हैं जिस दिन सरकार बनी कानून बनाऊंगा, ये 6 घंटा ड्यूटी करी क्योंकि 6 घंटा का तनख्वाह देने का कानून ओम प्रकाश राजभर अपनी सरकार ने बना के दिखाऊंगा। आज चाहे आप लोग यहाँ इतना जने है, कौनों थाने में साइकिल हो, कौनों थाने में सिपाही जी दरोगा जी साइकिल से चला नहीं चलता, सरकार का देखा नहीं है। पहलवा 200 रुपया साइकिल अलाउंस देकर हमने सदन में लड़कारा कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में थाने पे साइकिल नहीं, अब सिपाही जी दरोगा जी मोटरसाइकिल से चलते हैं, 200 में काम नहीं चलेगा, 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस देने का काम करो तो 100 रुपया कुल बढ़ाओ, सरकार 100 रुपया बढ़ाला, 100 रुपया में काम नहीं, इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ साथी, ये तेरी दुर्गति है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर सरकार बना करके 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देने का काम करूंगा, इस नाते जो बीमारी है उसको ठीक करना चाहता हूँ। आज जब नेताओं को अपनी तनख्वाह बढ़ाना होता है तो उनको चट हाथ उठा देते हैं सदन के अंदर, जब भोजन भत्ता पुलिस विभाग का बढ़ाना होता है, इनके वर्दी भत्ता की बात आती है तो दिखाई नहीं देता है नेताओं को। अगर ओम प्रकाश राजभर, फिर मैं कह रहा हूं कि चाहे इस देश में जो व्यवस्था है जाति व्यवस्था, अही बेड़ी कुंडली कोयली भारतीय मार मुसा धोबी खटिक पासी केवट बिनमला जोरा दुनिया सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुड़ खरवार भूमिहार बिहार आरा कर बंसी बंजारा बहरिया बारी बिहार, जितना जाति बा हर जाति में गरीब बा, हर जाति के लिए ओम प्रकाश राजभर का आंदोलन बा। एक जने हमसे कहला कि नेता तू गलत कहला, हमसे कहा गलत कहिला, कहना कि इंसान में मानव में मनुष्य में जाति हम के गड़बड़ है, जाति नहीं होती। अगर जाति बनाने वाले लोग चैलेंज देता है ओम प्रकाश राजभर 25 लाख रुपया इनाम दूंगा, जो इंसान में जाति बनवा दे बता देगा, एक खेत जोतवा के पाटा चलवा दूंगा और उसी में पंडित जी बाबू साहब यादव जी पटेल जी निशा जी भीम जी राजभर जी कश्यप जी विश्वकर्मा जी सबको हिला के निकाल दूंगा, जो जाति का स्पेशलिस्ट हो वो पैर का निशान देख के बता दे कि पंडित जी वाला है, निशा जी वाला है, ये राजभर जी वाला है, विश्वकर्मा जी वाला है, बाबू साहब वाला है, कोई बता सका ना? नहीं बता सकता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उसी खेत में पाटा चला के गाय हिला दो, हाथी हिला दो, ऊंट हिला दो, घोड़ा हिला दो, मुर्गी हिला दो और निकाल दो, बताओ बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? उसके पैर का निशान देख के आप बता सकते हो? जाति जानवरों में होती है, जाति पेड़ों में होती है, लेकिन हमको आपको जाति बनाने वाले लोग हम तो चैलेंज देते हैं, पंडित जी का खून उज्जर होना का है, बाबू साहब अहंकार करिया हो का है, हमारे कश्यप जी अहंकार जो तो हरिया का
सब पर खून लाल है ना, सब पर खून लाल है। ये खाली सियासत करने के लिए जातियों में बांट करके ऊंच नीच नफरत पैदा करके लोग सियासत करते हैं। इसी सियासत को खत्म करने के लिए जाति व्यवस्था को खत्म करके हम मानव है, मानव एक समान होना चाहिए, सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए, इस बात को लेकर के हम बराबर लड़ते रहते हैं। हम तो कानून के चक्कर में है, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे चमार का बेटा हो, चाहे किसी जाति का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा बेटी को पढ़ाया जा रहा है वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाने की व्यवस्था कानून बनना चाहिए। एक समान शिक्षा पूरे देश में लागू होनी चाहिए और गरीबों को कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में बनाने के लिए हम पूरे देश में घूम रहे हैं। चाहे आपका आजमगढ़ मऊ बलिया गोरखपुर देवरिया श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा फैजाबाद सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर जौनपुर मिर्जापुर सोनभद्र चंदौली गाजीपुर बनारस बस्ती संतकबीर नगर सिद्धार्थनगर प्रतापगढ़ इलाहाबाद झांसी बांदा चित्रकूट हमीरपुर जालौन उरई एटा इटावा कन्नौज कासगंज का इलाका हो चाहे पूरे देश का इलाका हो, साथियों ओम प्रकाश राजभर की एक ही चाहत है सभी शिक्षा एक समान फ्री शिक्षा और एक कानून और सारी सुविधा देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बहुत बकड़ी तू लोग चरवा वाले लड़के इधर वाले सुनील लक्ष्मी बकड़ी बहुत चरवाते हैं लोग दैया जेली में तब ये लोग मनिए की स्कूल भेजा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला शब्द शिक्षित बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और माताओं बहनों और बुजुर्गों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो दो परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके रहती है माँ बाप की सेवा करती है, बेटी की शादी हो जाती है जब ससुराल जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है दो परिवार सुधरता है। कभी बेटा बेटी में भेदभाव मत करना। इस नाते हम कानून बनाने वाले हैं, चलने दो सरकार में। जिस दिन सरकार बनाया कितना लोगों को बकरी चरवाई तो छोड़वाई थी, बहुत लोग बकरी चरावेला तब बोला ही लड़ाई हम लोग जो लड़ा था सही हो कि गलत, तो सही हो तो सब लोग खड़ा हो जाए।